आज मैं आपको हिमाटोलॉजी ऑटो एनालाइजर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य ये है कि ये कंप्लीट ब्लड काउंट, इसका मतलब है हीमोग्लोबिन, सफ़ेद कोशिका, लाल कोशिका और अलग अलग सफ़ेद कोशिका, दैट मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इनका एक्यूरेट काउंट देते हैं। आपको तो पता ही है कि हर एक पेशेंट के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट और कंप्लीट हीमोग्राम की ज़रूरत होती है। और आप जब भी ये ट्रेडिशनल मेथड्स, जहाँ काउंटिंग चैम्बर, डाइल्यूटिंग फ्लूइड और माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर आप 300 नहीं तो 500 सेल्स तक काउंट कर सकते हैं। उसे भी आपको 15 मिनट से लेकर आधा घंटा भी लग सकता है और इसमें एक्यूरेसी बहुत कम रहती है। और यह हीमेटोलॉजी एनालाइजर से आप 1,00,000 तक सेल्स 1 मिनट में एकदम एक्यूरेटली काउंट कर सकते हैं। आज का ये पार्ट जो है वो पार्ट 1 है। इसके बाद में के पार्ट भी प्रस्तुत होंगे, तो सभी पार्ट देखना आप बिल्कुल ना भूलिए। और आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल बटन दबाना मत भूलिए। तो पहले प्रस्तुत करते हैं हीमेटोलॉजी एनालाइजर विथ 3-पार्ट डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये है कि ये जो एनालाइजर है वो आपको 18 टेस्ट देता है, 18 टेस्ट के रिपोर्ट देता है। और जो सफ़ेद कोशिका रहती है, सफ़ेद ब्लड सेल्स, उसके 3 पार्ट में डिफरेंशिएशन देता है। उसमें है न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद में लिम्फोसाइट्स और बाकी के सेल्स जिसमें मोनोसाइट्स भी आते हैं। पहले आपको इस एनालाइजर के स्पेसिफिकेशन की मालूमत होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब इसका नाम क्या है, इसकी साइज़ क्या है और ये कितने पैरामीटर्स, दैट मीन्स कितने टेस्ट देता है। तो ये जो एनालाइजर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो मैंने जैसे पहले बताया वैसे 18 टेस्ट देता है, हीमोग्लोबिन से लेके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, कोशिका बोलते हैं और डिफरेंशिएशन काउंट और इंडेक्सेस, ब्लड के इंडेक्सेस जैसे PCV, MCV, MCHC वगैरह वगैरह। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है पहले देखिए। पहले तो आपको EDTA ब्लड की ज़रूरत है, उसके बाद में कंपनी जो सप्लाई करती है वो डाइल्यूटिंग फ्लूइड की ज़रूरत है, और तीसरी जो बात है वो मशीन। तो चलिए देखते हैं कि मशीन कैसे कार्य कर रहा है। देखिए गौर से, तो देखिए ये कैसे रिपोर्ट मिलता है। और ये रिपोर्ट आप आपके ट्रेडिशनल मेथड जो चैम्बर यूज़ करते हैं उसके साथ कंपेयर करें। अगले पार्ट 2 में हम इसके प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो पार्ट आप देखना न भूलिए। थैंक यू।